I promised my friend here that the TVA could undo some pretty awful shit in his timeline. What would you say to that? Change the past. Well, he did help me save the world. And his past made him the man who did it. There's nothing to fix, Mr. Olson. ये लाइन को याद रखना, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हेलो ह्यूमंस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में, और आज मैं आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाई डेडपूल्स टाइम ट्रेवलिंग डजंट मेक सेंस इन एमसीयू। बट उससे पहले आई होप आपने वीडियो को लाइक किया होगा, और अगर नहीं भी किया हो तो वीडियो देखने के बाद जरूर करें, और ऐसी वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, चलिए शुरू करते हैं। अब इस वीडियो के टॉपिक को समझने से पहले आपको एमसीयू के टाइम ट्रेवल रूल्स के बारे में समझना पड़ेगा। तो चलो मैं आपको ले चलता हूँ 2019 में रिलीज हुई अवेंजर्स एंड गेम में, जहाँ ब्रूस हमें एक्सप्लेन करता है कि अगर हम पास्ट में टाइम ट्रेवल करते हैं और वहाँ कुछ बदलाव करें तो इसका इम्पैक्ट हमारे प्रेजेंट पे नहीं होगा, हमारा प्रेजेंट जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। बट इसमें कैच ये है कि जो बदलाव हमने पास्ट में किया होगा वहाँ से एक न्यू ब्रांच टाइमलाइन जन्म लेगी। वो बदलाव जो हमने पास्ट में किए थे उसका इम्पैक्ट हमें इस ब्रांच टाइमलाइन में देखने को मिलेगी, ना कि प्रेजेंट में। This was again explained in Loki season 1 and 2. Movie के end में ये branch timeline जन्म ना ले, इसलिए Captain time travel करके stones को वापस उसी जगह और उसी time पर रख देता है। I hope अब MCU की time travel rules को अब समझ गए होंगे। So let's move on with X-Men time traveling rules. To Deadpool and Wolverine देखने के बाद हमें ये पता चला कि जो Prime Logan था वो Deadpool के ही universe में exist करता था। अब Logan movie 2029 में takes place करती है, जहाँ डेडपूल एंड वुल्वरीन 2024 में एग्जिस्ट करती है। सो हाउ लोगन इज डेड इन दिस मूवी इफ ही डाइज इन ईयर 2029? इस टॉपिक के बारे में हम कभी और बात करेंगे फॉर श्योर। बट अगर हम अपने मेन टॉपिक पर वापस आए, द टाइम ट्रैवलिंग रूल्स वी सॉ इन एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट एंड डेडपूल 2 आर सेम बट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सॉ इन एवेंजर्स एंडगेम एंड लोकी। दिस टू मूवीज फॉलो द रूल, जहाँ पास्ट में कुछ चेंज करोगे तो उसका इम्पैक्ट फ्यूचर में पड़ेगा। अब हम सब जानते हैं कि डेडपूल एमसीयू का पार्ट है, डजंट मैटर वो मेन 616 टाइमलाइन में एग्जिस्ट करता है या नहीं, टाइम ट्रैवलिंग रूल्स आर सेम फॉर एवरीवन। डेडपूल 2 में वेनेसा की डेथ वेड का रीजन बनता है दैट मेड हिम जॉइन द एक्समैन, वी ऑल नो दैट। और आगे स्टोरी में इस मोटू को केबल से बचाने के लिए वेड एक्सफोर्स की टीम बनाता है, जहां वो शैडो स्टार और पीटर से पहली बार मिलता है, बट इवेंचुअली इनके आगे चलकर डेथ हो जाती है। अब मूवी के एंड में हमें यह दिखाया जाता है कि वेड केबल की टाइम ट्रेवलिंग डिवाइस को यूज करके वेनेसा और एक्सफोर्स के मेंबर्स को मरने से बचा लेता है। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू डेडपूल एंड वुल्वरीन, जहां ये सभी लोग जो मर गए थे इन डेडपूल 2 वो इस मूवी में जिंदा है थैंक्स टू वेड। नाउ द प्रॉब्लम इज कि दिस पीपल शुडंट एग्जिस्ट इन दिस मूवी, क्योंकि अगर वेनेसा मरेगी नहीं तो वेड कभी एक्समैन ज्वाइन करेगा ही नहीं, और ना ही वो इस मोटू से मिलेगा, और ना ही इस मोटू को केबल से बचाने के लिए वो एक्सफोर्स नाम की टीम बनाएगा, जहाँ वो पीटर और शैडो स्टार से मिलता है। यही सेम सीरीज B15 ने डेडपूल एंड वुल्वरीन में कहती है, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था, व्हेन वेड वांटेड टीवीए टू चेंज लोगन्स पास्ट। आई होप इट मेक्स सेंस नाउ टू यू पीपल। अब इन प्लॉट होल्स के जवाब हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में ही मिल जाने चाहिए थे, पर हमें नहीं मिले ड्यू टू हाउ पुअरली रिटन दिस मूवी वॉज। अब इस प्लॉट होल्स के लिए मेरे पास कुछ थियोरीज है। पहला, दिस वॉज ऑल पार्ट ऑफ ही हू रिमेंस प्लान। अगेन, लोकी के फिनाले में हमने देखा था कि जो कुछ भी एमसीयू के सेक्रेट टाइमलाइन में हुआ वो सब उसके स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग था, सो बेसिकली ही कंट्रोल्ड एवरीथिंग एंड कुड मेक एनीथिंग गो हिज वे। सेम उसने डेडपूल के साथ भी किया होगा, पर अगर उसने ऐसा ना चाहा होता तो टीवी वाले वेड को अरेस्ट करके उसकी ब्रांच टाइमलाइन वहीं पर इरेस्ट कर देते, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में पैराडॉक्स हमें क्लियर कर देता है कि उन्होंने वेड को इसलिए उठाया क्योंकि उसे वेड को अर्थ 616 में भेजना था, ना कि जो उसने कांड डेडपूल 2 में किया था उस वजह से। Which leads us to my second theory. The Deadpool we saw in the movie Deadpool and Wolverine is a variant. Now let me explain why this theory makes more sense. जैसा मैंने पहले कहा था कि Vanessa, Peter और Shatter Star shouldn't exist in this movie because they died in the previous one. अब Deadpool 2 में जब वेड ने टाइम ट्रेवल करके Vanessa और उसके फ्रेंड्स को मरने से बचाया था, उसी पॉइंट से एक ब्रांच टाइमलाइन ने जन्म ली, जहाँ वेड उन्हें बचा लेता है और वो सभी हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में भी दिखते हैं। बट कीप इन माइंड, ये ब्रांच टाइमलाइन वाला डेडपूल है, ना कि प्राइम डेडपूल जिसकी वेनेसा मर जाती है। तो अगर सिंपलर वे में मैं समझाने जाऊं, तो डेडपूल वी सॉ इन द मूवी डेडपूल एंड वुल्वरीन
इज नथिंग बट अ वेरिएंट ऑफ प्राइम डेडपूल, जहां प्राइम डेडपूल की कहानी रिमेंस द सेम वेयर वेनेसा एंड द मेंबर्स ऑफ एक्स फोर्स डाइड। आई होप आपको इन मूवीज के प्लॉट होल्स और मैंने बताई हुई थीरीज समझ आ गई होगी। लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक ऑफ इट इन द कमेंट्स बिलो। तब तक के लिए गुड बाय।